हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ प्रोटीन क्या है और इसके प्राप्ति के क्या क्या स्रोत होते हैं, आवश्यक प्रोटीन क्या है, अनावश्यक प्रोटीन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड दोस्तों, इससे कौन कौन रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, इसको हम जानेंगे। एंड दोस्तों, मैं कार्बोहाइड्रेट एंड वसा के बारे में बता चुकी हूँ, उस वीडियो को आप हेल्थ एंड डिजीज के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों, प्रोटीन जो होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फोर्स, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बॉडी बिल्डिंग फोर्स किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि एथलीट को कौन सा आहार देना सबसे सर्वोत्तम रहेगा तुरंत, तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, यह हमारे कोशिकाओं को शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत करता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फोर्स बोला जाता है। ये हमारी कोशिकाओं को मरम्मत करता है, यानी कि ये हमारे मांसपेशियों, कोशिकाओं, ऊतकों का वृद्धि करता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फोर्स बोला जाता है। दोस्तों, इसका प्रोटीन नामकरण किसने किया, इसका नामकरण किया वर्जिलियस तथा मोल्डर ने। दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। अमीनो अम्ल को प्रोटीन निर्माण की न्यूनतम इकाई कहा जाता है, यानी कि जो प्रोटीन होता है वह हमारे शरीर में जाकर के अमीनो अम्लों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है एंजाइमों की सहायता से, एंड जो वसा होता है वह फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाता है, एंड जो प्रोटीन होता है वह अमीनो अम्लों में बदल जाता है। जैसा कि दोस्तों जो अमीनो अम्ल यानी कि प्रोटीन है, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रोटीन ही है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही यह एक विशेष प्रोटीन में गिना जाता है, ठीक है, विशेष पोषक तत्व में गिना जाता है प्रोटीन को। क्योंकि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, बट प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से भी मिलकर बना होता है। तो एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जैसे कि दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, मिलता है आपका वसा से, और सबसे जल्दी ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी फूड बोला जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट को, इसलिए एथलीटों को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, यह पेशियों, हड्डियों, चमड़ी, बालों, ऊतकों सभी जगह पाया जाता है। ये प्रोटीन जो है कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे होता है, ये हमारे पेशियों में, हड्डियों में, चमड़ी में, बालों, ऊतकों सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, यह प्रत्येक जीव की कोशिकाओं के जैव रस यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य जो होता है, कोशिका जब पढ़े हैं आप तो उसके अंदर जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसी को जीव द्रव्य कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका की जीव द्रव्य में यानी प्रोटोप्लाज्म में यह पाया जाता है। एंड दोस्तों, प्रोटीन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन दोस्तों हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है, हमारे शरीर की टूट फूट का मरम्मत करता है, और हमें हमारे मांसपेशियों, ऊतकों का पुनः निर्माण या पुनः उत्पादन का कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा वृद्धि और विकास की आवश्यकता होती है, उस समय उनको शरीर को बढ़ना होता है, हर चीज डेवलप होना पड़ता है, तो छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता
होती है, ठीक है। एंड दोस्तों किशोरों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसका नाम है आर्जिनिन तथा हिस्टिडिन। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे शरीर में 20 से 22 अमीनो अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जिसमें से 9 प्रोटीन जो अमीनो अम्ल जो होते हैं वह आवश्यक होते हैं एंड 13 अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल अनावश्यक होते हैं। तो 9 अमीनो अम्ल जो आवश्यक यानी इसेंशियल होते हैं यह हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं और 13 अमीनो अम्ल जो अनावश्यक यानी नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारा शरीर स्वयं निर्माण करता है भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद, ठीक है। तो हम जानेंगे कि भोजन से प्राप्त कौन कौन से अमीनो अम्ल है यानी प्रोटीन है, तो इसमें आपका आता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, फेनिल एथिलीन, एलनिन, थ्रोनाइन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन। इन 9 ऐसे हैं जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं यानी कि आवश्यक हैं तो भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं, तो 9 हैं, ठीक है, अनावश्यक कौन है तो कितने हैं, तो 13 हैं। इस प्रकार कुल 20 से 22 यानी कि 22 अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कभी कभी 20 भी होता है दोस्तों, ठीक है, 20 भी सही होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। दोस्तों प्रोटीन प्राप्ति कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, एक पशुजन्य प्रोटीन से, एक वनस्पति जन्य प्रोटीन। प्रोटीन प्राप्ति के 2 स्रोत हैं, पशुओं से एक वनस्पति से। तो पहला है पशुजन्य प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन, दूसरा है वनस्पति जन्य प्रोटीन यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन। इसलिए पशुजन्य प्रोटीन एनिमल प्रोटीन को क्लास ए प्रोटीन बोलते हैं, वेजिटेबल प्रोटीन को क्लास बी प्रोटीन बोला जाता है। तो दोस्तों जो एनिमल प्रोटीन है क्लास ए प्रोटीन है, इसके अंतर्गत 9 आवश्यक या 8 आवश्यक प्रोटीन में से 5 प्रोटीन इसमें पाया जाता है पशुजन्य प्रोटीन में, एनिमल प्रोटीन में यानी क्लास ए प्रोटीन में। इसके अंतर्गत आपका मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कैसिनोजीन, ग्लोब्यूलिन, वाइटेलिन पाया जाता है, जिसमें से मायोसिन जो होता है वह वसा रहित मांस मछलियों से प्राप्त होता है एंड एल्ब्यूमिन जो होता है दोस्तों कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्ब्यूमिन जो होता है अंडे के सफेद भाग से पाया जाता है एंड दूध के लैक्ट में पाया जाता है एंड रक्त प्लाज्मा के सेरम से पाया जाता है, इसका संश्लेषण यकृत में होता है। तो आप ध्यान में रखिए एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है वह अंडे के सफेद भाग, दूध में, रक्त प्लाज्मा के सेरम से पाया जाता है, इसका संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में, ये ध्यान में रखिएगा। एंड कैसिनोजिन जो होता है वह दही व पनीर से प्राप्त होता है एंड ग्लोब्यूलिन जो होता है वह रक्त में मिलता है एंड वाइटेलिन जो होता है अंडे की जर्दी यानी अंडे की पीला वाले भाग से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं क्लास बी प्रोटीन यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन की। इसके अंतर्गत ग्लूटेन, लेग्यूमिन, जेलेटिन आता है। ग्लूटेन जो होता है गेहूं तथा अन्य अनाजों से मिलता है, ध्यान में रखिएगा, ग्लूटेन जो होता है गेहूं तथा अन्य अनाजों से मिलता है। लेग्यूमिन जो होता है फलियों वाली सब्जियों व दालों से मिलता है, ठीक है, फलियों वाली सब्जियों और दालों से मिलता है, कौन, लेग्यूमिन। एंड जेलेटिन जो होता है वो वनस्पति के उत्तकों से प्राप्त, जैसे मांड, खमीर आदि से, एंड वैसे यह पशुजन्य पदार्थ के अंतर्गत भी आता है जो हड्डियों तथा लिगामेंट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जेलेटिन वनस्पति के उत्तकों से प्राप्त किया जाता है जैसे मांड और खमीर, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि 20 से 22 अमीनो एसिड होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड क्या है, नॉन इसेंशियल अनावश्यक क्या है, प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत क्या है, क्लास ए प्रोटीन क्लास बी प्रोटीन हमने जाना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रोटीन के बारे में जानेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं, पूर्ण प्रोटीन जैसे कि मीट, अंडा, मछली, दूध से निर्मित पदार्थ पूर्ण प्रोटीन में आते हैं एंड अपूर्ण प्रोटीन जो होता है इसमें अनाज, फल और सब्जियां आते हैं। दोस्तों एक होता है डिमिनेशन, यानी कि डिमिनेशन किसे कहते हैं, यदि भोजन में अधिक मात्रा में प्रोटीन लिया जाता है तो उसे यकृत जो होता है यानी लीवर जो होता है उनसे संबंधित अणु यानी पदार्थों में परिवर्तित कर देता है।
इस प्रक्रिया को डिमिनेशन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अमीनो अम्ल नाइट्रोजन की मदद से अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम जो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो उन्हीं से संबंधित पदार्थ में वो बदल देता है। जैसे कि प्रोटीन किससे परिवर्तित होता है शरीर में, अमीनो अम्ल में। तो ज्यादा अमीनो अम्ल हम ले लिए, प्रोटीन ले लिए, तो हमारे शरीर से जो उपयोग होने के बाद बचा अमीनो अम्ल वह क्या करता है यकृत, उसको नाइट्रोजन की मदद से अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और वह क्या होता है, अमोनिया जो है होता है यूरिया में बदल जाता है और जाकर के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, यूरिया। ये ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यूरिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, यूरिया। यानी कि प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल में तोड़ करके हमें उपयोग होता है, उसके बाद जो बचता है अमीनो अम्ल उसको नाइट्रोजन की मदद से जो यकृत होता है अमोनिया में बदल देता है, और यही अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है, यूरिया। एंड दोस्तों पाचन क्रिया के दौरान प्रत्येक प्रोटीन एंजाइम की मदद से विघटित होकर यानी टूटकर जिसे ऊतक प्रयोग में लेते हैं। यानी कि पाचन क्रिया के दौरान प्रत्येक प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम की मदद से विघटित हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, अमीनो एसिड में, जिसे ऊतक प्रयोग में लेते हैं, जिसे हमारे ऊतक यानी कोशिकाएं जो है वो प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, जैसे पाचन क्रिया के दौरान प्रत्येक प्रोटीन किसमें बदलता है, एंजाइम की सहायता से अमीनो एसिड में टूटता है। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज में। उसी तरह वसा किसमें टूटता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये सब ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति को भोजन में 60 से 70 ग्राम एंड महिला को 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। एंड बॉडी बिल्डरों के लिए उनके भार के अनुसार प्रत्येक केजी में 0.8 ग्राम प्रोटीन भोजन में लेना चाहिए। एंड दोस्तों जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन के प्रकार, सरल संयुक्त व्युत्पन्न। सरल प्रोटीन क्या होता है, जो केवल अमीनो अम्लों से बनता है, जैसे कि ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। तो पूछ दिया जाएगा कि ग्लोब्यूलिन कैसा है, सरल प्रोटीन है कि संयुक्त प्रोटीन है। तो सरल प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्लों से होता है, जैसे कि ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। एंड संयुक्त प्रोटीन जो अमीनो अम्लों के अलावा अन्य पदार्थों से बनता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन। तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसे जलीय अपघटक हो जाता है इसका, जैसे कि पेप्टोन। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप प्रोटीन नहीं लेंगे, प्रोटीन की आपके शरीर में कमी हो जाएगी, तो इसके कमी से कौन से रोग होंगे। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वासियोर्कर व मरास्मस रोग होता है। क्वासियोर्कर जो होता है 1 से 5 वर्ष के शिशु में, 1 से 5 वर्ष के शिशु में होता है। एंड उत्तकों में पानी भर जाता है, भर जाने से शरीर फूल जाता है क्वासियोर्कर में। यह गांवों में अधिक होता है। एंड मरास्मस जो होता है 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है। प्रोटीन के साथ कैलोरी की भी कमी हो जाती है, यह शहरों में अधिक होता है। अन्य में दोस्तों अन्य रोगों में दांतों में क्षय रोग प्रारंभ हो जाता है। महिलाओं में रक्तहीनता यानी एनीमिया का शिकार हो जाती है। एंड दोस्तों एक खिलाड़ी के अभ्यास के दौरान जब एकत्रित कार्बोहाइड्रेट तथा वसा संग्रहण कम हो जाता है, तो शरीर प्रोटीन का उपयोग करके ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। यानी कि जब एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान जब एकत्रित कार्बोहाइड्रेट है एंड प्रोटीन है उसका संग्रहण कम हो जाता है, तो उस समय कौन प्रोटीन ऊर्जा बनाने का कार्य करने लगता है, प्रोटीन। ठीक है, तो शरीर प्रोटीन का उपयोग करके ऊर्जा बनाने का कार्य करने लगता है। दोस्तों हम जानेंगे कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। तो प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है क्लोरेला शैवाल में, प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है 70%। उसके बाद सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है 43%। दोस्तों क्योंकि क्लोरेला शैवाल कभी नहीं देता है ऑप्शन में, इस सोयाबीन ही देता है, सोयाबीन ही आप लगाइएगा। अगर क्लोरेला शैवाल नहीं दिया रहेगा तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में 43%, फिर मूंगफली में 26%। ठीक है, इसके बाद मूंगफली के बाद इसके पश्चात
दालें, सूखे मेवे तथा अनाज में पाया जाता है एंड हरी पत्तेदार सब्जियों में 5 से 7% तक पाया जाता है। इस प्रकार हमने प्रोटीन के बारे में समझा दोस्तों। जैसा कि मैं पोषक तत्वों को बांटते समय बताई हूँ कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड वसा होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर की वृद्धि विकास और टूट फूट का मरम्मत करता है, ठीक है, शरीर निर्माण करता है, एंड जो विटामिन एंड खनिज लवण होता है वो हमारे रोगों से रक्षा करते हैं, इम्यूनिटी पावर बरकरार रखते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो विटामिन होता है एंड खनिज लवण होता है ये ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं बल्कि हमारे शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से पोषक तत्व हैं जो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, तो विटामिन एंड खनिज लवण ये रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, शरीर निर्माण करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, और ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी क्वेश्चन होंगे उसे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट जरूर क्लियर करूंगी। एंड दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सुरक्षात्मक भोज्य यानी कि जिसे वृद्धि तत्व यानी ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, विटामिन के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।